जो हर झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भौगोलिक परिचय को देखेंगे। तो प्यार दोस्तों, इस वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो क्या दोस्तों, चलिए हम लोग अब इस वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अपने YouTube चैनल पर, मैं ही कोचिंग सेंटर YouTube चैनल पर झारखंड का भूगोल नामक प्ले लिस्ट क्रिएट किया गया है। झारखंड का भूगोल नाम से एक प्ले लिस्ट क्रिएट किया गया है और उस प्ले लिस्ट के अंतर्गत ये पहला अपना लेसन है, झारखंड का भौगोलिक परिचय। और झारखंड का भूगोल के अंतर्गत 20-22 लेक्चर होंगे और आप सभी को देखिएगा तो फिर बिल्कुल भी झारखंड के भूगोल से संबंधित एक भी प्रश्न आपके हाथ से जाने वाला नहीं रहेगा, इसकी मैं पूरा का पूरा आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब इस वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और बिल्कुल भी एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं झारखंड के भूगोल का। चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा क्लास आपको बहुत अच्छा से समझ में आता है। तो आपने मेरे सभी वीडियो को, पिछले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उन सभी पर बहुत सारा प्यार दिया है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो सीरीज जो अपना स्टार्ट होने वाला है इसे भी आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो चलिए प्यार दोस्तों, हम लोग अब चीजों को स्टार्ट करते हैं, वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवम्बर 2000 ईस्वी को हुआ था और यह 28वां राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 15 नवंबर का डेट आपको याद होगा प्यार दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है 15 नवंबर, तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था और यह जब अस्तित्व में नहीं आया था तो बिहार राज्य के अंतर्गत आता था और फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और झारखंड राज्य भारत का रूर्प प्रदेश का कहलाता है। क्या दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है कि रूर्प प्रदेश में सिर्फ खनिज ही खनिज भरा हुआ है और इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि रूर्प प्रदेश झारखंड क्यों कहलाता है, इसके बारे में अलग वीडियो में अपलोड करना चाहता हूं और चीजों को आपको बताना चाहता हूं। चूंकि ये प्यारे दोस्तों इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके लिए इसमें मैं चीजें बहुत विस्तार से आपको बताने वाला नहीं हूं, लेकिन जो चीजें बाद में नहीं आएंगी उसे मैं आपको विस्तार से जरूर बताऊंगा। प्यारे दोस्तों देखिए, चीजों को समझिए जो कि सभी को ही नहीं बताते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए, हम भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों भौगोलिक स्थिति होता क्या है? प्यारे दोस्तों भौगोलिक स्थिति का मतलब डायरेक्टली एड्रेस होता है, पता होता है। तो झारखंड का पता कहाँ है, झारखंड को लोग कहाँ खोजेंगे, तो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत वही चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आप थोड़ा सा ग्लोब का अध्ययन कीजिए। प्यारे दोस्तों देखिए, ये आपका ग्लोब है। देखिए प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया कि ये आपका ग्लोब है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ग्लोब को मैं दो भागों में बांटता हूं। देखिएगा चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों, ग्लोब को मैंने दो भागों में बांटा, बिल्कुल भी बीच में एक लाइन खींच दिया ग्लोब के और वह 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। जो बीच वाला लाइन है ना, बिल्कुल भी बीच वाला लाइन, ग्लोब का एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग, तो ये बिल्कुल जो बीच वाला लाइन है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, आप लोग समझिए कि ये अक्ष क्या है, ये अक्षांश क्या है, ये है क्या। देखिए क्या दोस्तों, मान के चलिए ये ग्लोब है, तो क्या दोस्तों देखिए कि यह घूम रही है, ये चारों बगल घूम रही है,
इस तरीके से मान के चलिए कि यह जो है ना इसके चारों बगल जो एक रेखा जो है ये मान के चलिए एक अक्ष पर घूम रही है, तो ये जो अक्ष पर जो घूम जो रही है ना इसे हम लोग अक्ष बोलेंगे, इसे हम लोग अक्ष बोलेंगे। मान के चलिए ये इसमें हमने एक डंडा को घुसा दिया है और इसे मैं घुमा रहा हूँ, पृथ्वी को घुमा रहा हूँ, तो ये जिस डंडा के चारों बगल पृथ्वी घूम रही है ना तो वो जो जिस डंडा के अंतर्गत ये घुसा हुआ और वो घूम जो रही है ना उसे ही हम लोग अक्ष बोलेंगे। तो देखिए अक्ष दो प्रकार का होगा प्यार दोस्तों, ऊपर वाला अक्ष को बोलेंगे उत्तरी अक्ष और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी अक्ष। और बिल्कुल भी अक्ष के आसपास का जो एरिया है ना वह ध्रुव कहलाता है, तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अब देखिए प्यारे दोस्त होता क्या है ना कि मैंने इसे दो भागों में बांटा, तो देखिए प्यारे दोस्तों बिल्कुल भी जीरो डिग्री अक्षांश, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या चीज है, वही अक्षांश शब्द का निर्माण अक्ष से हुआ है। अब देखिए प्यारे दोस्तों होता क्या है ना कि इसके चारों बगल जो रेखाएं इसके चारों बगल बन रही है, बिल्कुल ये इमेजिनरी रेखाएं होती है प्यारे दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं, तो जो रेखाएं इसके चारों बगल अक्ष के चारों बगल जो रेखाएं वो बन जो रही है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब देखिए प्यारे दोस्तों ये वाला जो रेखाएं जो है ना ये आपका अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो देखिए एक एक रेखा बिल्कुल भी बीच में होगा वही जीरो डिग्री अक्षांश है, और जीरो डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी मानचित्र के ऊपरी भाग को ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है, तो ये गोला को आप आधा भाग में बांट दीजिए और ऊपर वाला गोला ऊपरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे वाला गोला दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ये पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों अब आपको एक चीज और समझना है प्यारे दोस्तों, देशांतर रेखाएं क्या होती है, तो क्या दोस्तों देखिए ये बिल्कुल भी इस ऐसा वाला लाइन जो होता है ना ऐसा वाला लाइन उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो देखिए क्या दोस्तों एड्रेस जो होता है ना भौगोलिक स्थिति जो होता है ना भौगोलिक स्थिति में अपने को ये कहना पड़ता है बताना पड़ता है कि कौन सा किस अक्षांश से कितना अक्षांश तक कितना देशांतर से कितना देशांतर तक विस्तार है, यही भौगोलिक स्थिति बताता है। तो क्या दोस्तों देखिए झारखंड राज्य जो है ना झारखंड राज्य जहां तक हम किसकी बात करेंगे अक्षांश की बात करेंगे, तो प्यारे दोस्तों एक चीज पहले उससे पहले आप लोग और एक बात को समझ जाइए प्यारे दोस्तों, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में झारखंड राज्य स्थित है, भारत देश ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत देश के ही अंतर्गत झारखंड राज्य है प्यारे दोस्तों, तो झारखंड राज्य भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए प्यारे दोस्तों यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर विश्व के मानचित्र पर या ग्लोब पर कहां स्थित है, वहां पे आपको देगा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो आपको टिक लगाना है उत्तरी गोलार्ध के ऊपर। चलिए बारी बारी से चीजों को प्यारे दोस्तों समझते हैं। तो अब देखिए प्यारे दोस्तों मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, देखिए अब देखिए कि भौगोलिक स्थिति में अब हम लोग क्या देखते हैं प्यारे दोस्तों, इसका एड्रेस का पता करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए अक्षांश रेखा पर ये जो अक्षांश रेखा ये वाला जो आपका रेखा है उस पर कहां से कहां तक प्यारे दोस्तों 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक इसका उत्तरी अक्षांश पर ये झारखंड स्थित है। मान के चलिए सपोर्टर कि झारखंड आपका यहां पर स्थित है प्यारे दोस्तों, मान के चलिए कि झारखंड आपका यहां पर स्थित है,
यहाँ पर स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे, ध्यान से देखिएगा, ये जो चीजें नीचे वाला जो आएगा, नीचे वाला मतलब पश्चिमी सिंहभूम, वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड रहेगा, और ऊपर वाला भाग जो रहेगा आपका दोस्तों कौन सा भाग क्या दोस्तों, साहेबगंज, ये रहेगा आपका 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। तो देखा आपने, देखा कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब देखिए अब चीजों को, और कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश क्या दोस्तों, कौन सा अक्षांश, इसको आपको याद रखना है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश के हिसाब से ये उत्तर में स्थित है। अब देखिए क्या दोस्तों, एक चीजों को समझिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए, देशांतर रेखा पर क्या हाल है। तो क्या दोस्तों देखिए, 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। मतलब देखिए क्या दोस्तों, आप जो है ना, गढ़वा के यहाँ पर एक लाइन खींचिए, बिल्कुल भी सीधा होने, गढ़वा के पास से एक लाइन खींचिए, और फिर यहाँ पर आप पाकुड़ के आस के पास से आप एक लाइन खींचिए। तो देखिए क्या दोस्तों, ये जो सीमाएं जो है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक ये फैला हुआ है। तो कहां पर है देशांतर में, कहां पर है प्यारे दोस्तों, ये पूर्वी देशांतर में है। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर की तरफ पश्चिमी देशांतर है और इधर की तरफ पूर्वी देशांतर है, ये तो आपको मालूम ही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो देखिए किधर है प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर है झारखंड, तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कि ये देशांतर के हिसाब से, देशांतर के हिसाब से, देशांतर के हिसाब से पूर्व की दिशा में स्थित है, लेकिन अक्षांश के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से उत्तर की दिशा में स्थित है। तो आप ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन में जो रहेगा ना, अक्षांश में निश्चित रूप से उत्तर होना चाहिए, उत्तरी अक्षांश होना चाहिए, लेकिन देशांतर में पूर्वी होना चाहिए, पूर्वी देशांतर होना चाहिए। और ये दोनों चीजों को भी आपको याद रखना है, कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकंड, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, अक्षांश में उत्तर होना चाहिए और देशांतर में पूरब होना चाहिए। चलिए प्यारे दोस्तों, और एक चीज को समझ जाइए आप लोग, कि झारखंड जो है ना स्थलबद्ध राज्य है, जिसे हम लोग भू आवेशित राज्य भी कहते हैं, भू आवेशित राज्य भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, स्थलबद्ध का मतलब क्या हो गया ना प्यारे दोस्तों, कि यह चारों बगल से कहीं से भी, झारखंड राज्य जो है ना कहीं से भी समुद्री सीमा को साझा नहीं करते हैं, कहीं से भी समुद्री सीमा को साझा नहीं करते हैं। कौन प्यारे दोस्तों, आपका झारखंड राज्य, झारखंड राज्य के चारों बगल कहीं पर भी समुद्री सीमा लगती नहीं है, इसी के लिए हम इसे स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। और भी देश में बहुतों स्थलबद्ध राज्य है, वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जैसे आपका एमपी, एमपी भी स्थलबद्ध राज्य, और भी राज्य हैं स्थलबद्ध राज्य हैं, लेकिन अभी झारखंड जीके के अंतर्गत हमें ये चीजों को मालूम होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आता भी है, झारखंड कौन सा राज्य है, वहां पे टिक में रहेगा स्थलबद्ध राज्य, तो आपको स्थलबद्ध राज्य में ऑप्शन में आपको टिक करना है क्या दोस्तों। अब देखिए क्या दोस्तों, एक चीज और देखिए, विश्व के मानचित्र पर झारखंड कहाँ स्थित है क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। देखिए उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है झारखंड, और भारत के भी मानचित्र पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, क्योंकि भारत ही विश्व के मानचित्र पर उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है, इसी के लिए झारखंड भी उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए अब चीजों को हम लोग थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझते हैं। और एक चीज प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कर्क रेखा
बिल्कुल भी झारखंड के बीचों बीच गुजरती है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि कर्क रेखा होता क्या है एक्चुअली में। तो प्यारे दोस्तों देखिए देखिए प्यारे दोस्तों हम जब अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांश की जब बात करते हैं तो 23 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री कौन सा अक्षांश प्यारे दोस्तों उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहेंगे और दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले रेखा को हम मकर रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा जो है ना प्यारे दोस्तों बिल्कुल भी झारखंड के बीच से गुजरती है। देखिए बिल्कुल भी बीच से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको याद रखना है कि कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल भी बीच से गुजरती है। तो प्यारे दोस्तों कितने जिलों में से कर्क रेखा गुजरती है ये भी एक जबरदस्त वाला जीके प्यारे दोस्तों। तो देखिए प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कि 7 जिलों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा प्यारे दोस्तों? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो और विधानबाद। ये 7 जिले ऐसे हैं जिनमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिलों में तो पूरा जिलों में से होकर गुजरेगी नहीं, कोई जगह वैसा होगा जहां पर इसकी होकर टच करेगी। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। लातेहार में से होकर जो गुजरती है ना वो नेतरहाट होकर गुजरती है। नेतरहाट तो जानते ही है, फेमस जगह है झारखंड में। और रांची में ओरमांझी से होकर गुजरती है, ओरमांझी एक जगह वहां से होकर गुजरती है। तो बस यही दोनों आपको याद रखना और यही दोनों से क्वेश्चन बनता है। और बाकी बात सबसे क्वेश्चन बनता नहीं है। लोहरदगा से किसको जगह से गुजरती है? रामगढ़ से। गोला एक जगह है वहां से गुजरती है। बोकारो से पोखरना, चंदन क्यारी, मुरहुल सुदूर, झाल बरदा, पाल कुदरी, फिर उसके बाद विधानबाद से गोसाईडी, गोपालपुर, ये सभी जगह से गुजरती है। लेकिन आपको दो जगह याद रखना है प्यारे दोस्तों, रांची वाला ओरमांझी और लातेहार वाला नेतरहाट। ये दोनों जगह आपको याद रखना है कि जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए प्यारे दोस्तों थोड़ा सा और चीजों को समझ लीजिए कि कर्क रेखा भारत में कहां कहां से गुजरती है। तो भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कि 8 ऐसे राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से प्यारे दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए प्यारे दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये भी जबरदस्त वाला जीके रहेगा, लेकिन ये इंडिया जीके में आ गया प्यारे दोस्तों। झारखंड जीके के अंतर्गत ये चीजें आपको नहीं पूछी जाएंगी और अभी बात हो रही है सिर्फ झारखंड जीके से संबंधित। प्यारे दोस्तों अब देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, देखिए अभी एक चीज आ रहा है अपने दिमाग में प्यारे दोस्तों। देखिए हाँ, अभी आप थोड़ा सा मानचित्र की तरफ आइए प्यारे दोस्तों। देखिए तो आप ये देखिए झारखंड का अनुमानित मानचित्र है प्यारे दोस्तों, ये एग्जैक्ट मानचित्र नहीं है, मैं इसे एग्जैक्ट मानचित्र नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वैसा ही है जैसा झारखंड का मानचित्र है। तो झारखंड की आकृति है कैसा दोस्तों? ये चतुर्भुजाकार आकृति है। यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है कि झारखंड की आकृति कैसी है, तो ऑप्शन में आपका रहेगा चतुर्भुजाकार, तो उस पर आपको टिक कर देना। अब देखिए प्यारे दोस्तों चीजों को समझिए प्यारे दोस्तों, मान के चलिए कि झारखंड का ये मानचित्र है, इसे मैंने एक ग्राफ पेपर पर रख दिया, तो देखिए चीजों को समझिएगा ध्यान से समझिएगा चीजों को प्यारे दोस्तों। देखिए आप इधर से आइए, तो मैंने जब ग्राफ पेपर पे रखा तो कुछ इस तरीके से रख दिया, देखिएगा ध्यान से प्यारे दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया इसको, मैंने इसे कुछ इस तरीके से रख दिया,
कुछ मैंने इसे इस तरीके से रख दिया। देखिएगा प्यार, देखिएगा प्यार दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल भी बहुत कंफ्यूजन होती है इन सभी चीजों में, और मैं आपका हर एक कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। और जहां भी चीज आपको समझ में नहीं आएंगी ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। देखिए प्यार दोस्तों, देखिए जब मैंने इसे ग्राफ पर रखा तो आप देखिए चीजों को समझिए प्यार दोस्तों, कि आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा जिला है। तो प्यार दोस्तों आपको तो मालूम है कि उत्तर दिशा में 10 जिले की सीमा साझा करती है, 10 जिलों की सीमा साझा करती है। लेकिन अच्छा ठीक है, पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी चौहद्दी क्या है, तब उसके बाद फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे और इस चीजों को समझेंगे। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना वो आएगा, रुकिए अभी अभी एक मिनट रुक जाइए आप। देखिए उत्तर दिशा में आपका बिहार राज्य की सीमा है, दक्षिण दिशा में उत्तर के बाद दक्षिण मतलब नीचे उड़ीसा राज्य की सीमा है। अब देखिए प्यार दोस्तों, हाँ झारखंड के पूरब की तरफ मतलब इस तरफ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा है, और पश्चिम की तरफ छत्तीसगढ़ की सीमा है, और यहां पर कॉर्नर पर देखिए प्यार दोस्तों पश्चिम की ही तरफ, लेकिन ये कौन सा भाग हो जाएगा, अच्छा इसको बीच में आप लाइन ड्रॉ कीजिए तो, और एक तो इसे बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए। तो देखिए प्यार दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर, पश्चिमोत्तर, तो यहां पर आपका यूपी की सीमा लगती है। तो झारखंड कुल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा को साझा करते हैं, झारखंड कुल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा को साझा करते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं। जब झारखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, गठन होने तक झारखंड राज्य में 18 जिले थे, लेकिन 6 नए जिले का निर्माण हुआ, का गठन हुआ, एक बार 2001 में और एक बार 2007 में। तो 2001 में 4 जिले कौन कौन से प्यार दोस्तों, देखिएगा ध्यान से चीजों को समझिएगा प्यार दोस्तों, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और आपका सरायकेला खरसावां, ये 4 जिले 2001 में। उसके बाद 2 जिला खूंटी और रामगढ़, ये 2007 में। तो प्यार दोस्तों देखिए 6 जिले बाद में स्थापित हुए, तो कुल मिलाकर अभी झारखंड राज्य में 24 जिले हैं, 18 और 6 24। प्यार दोस्तों देखिए तो प्रमंडल जो है ना पहले 4 ही थे जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, लेकिन बाद में एक और प्रमंडल का गठन हुआ और कुल मिलाकर अभी 5 प्रमंडल हैं। तो और वो जो निर्णय जो हुए उसका नाम था आपका प्यार दोस्तों कोल्हान, कोल्हान, उसके अंतर्गत 3 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो 5 जो उपप्रमंडल है ना दोस्तों उनके भी आपको मैं नाम लिखकर बता देता हूँ। ये चीजें तो हो गई प्यारे दोस्तों, और मैं इसका पूरा का पूरा नोट्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा प्यारे दोस्तों, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन से ही आप नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को 2-3 बार आपको देख लेना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी प्यारे दोस्तों। देखिए 5 जो अपने प्रमंडल हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए उसे हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। तो प्यार दोस्तों पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। दूसरा है प्यार दोस्तों संथाल परगना, संथाल परगना। तीसरा है प्यार दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर, चौथा है आपका पलामू, पलामू प्रमंडल, और पांचवा है आपका कोल्हान, लेकिन नया बना हुआ है कोल्हान। देखिए प्यार दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 7 जिले सर्वाधिक है, कौन कौन से प्यार दोस्तों मैं बोलते जाता हूं और आप इसे नोट करते जाइएगा प्यार दोस्तों। देखिए
और उत्तरी छोटा नागपुर उपमंडल का मुख्यालय हजारीबाग में है। तो चलिए हजारीबाग से ही चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हजारीबाग हजारीबाग चतरा चतरा, फिर आपका आ जाएगा प्यारे दोस्तों, देखिएगा कोडरमा, फिर आपका आएगा प्यारे दोस्तों गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये सात जिले उत्तरी छोटा नागपुर उपमंडल के अंतर्गत आते हैं। और संथाल उपरगना के अंतर्गत, संथाल परगना उपमंडल के अंतर्गत छह जिले आते हैं। कौन कौन से प्यार दोस्तों देखिए, और संथाल उपरगना उपमंडल का मुख्यालय दुमका में है। तो प्यार दोस्तों देखिए, दुमका एक, देवगढ़ दो, जामताड़ा तीन, गोड्डा चार, साहेबगंज पांच, पाकुड़ छह। तो ये छह जिले संथाल परगना परमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर उपमंडल का, जिसका मुख्यालय रांची में है और इसके अंतर्गत पांच जिले आते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, रांची से स्टार्ट करते हैं। रांची, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, ये पांच जिले दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, पलामू उपमंडल का मुख्यालय पलामू में है, मेदिनीनगर शहर में है और इसके अंतर्गत तीन जिले आते हैं। कौन कौन से प्यारे दोस्तों देखिए, पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये तीन जिले आपका पलामू उपमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब अंतिम बच गया प्यारे दोस्तों कुकोलाम, जो कि नया बना हुआ है, इसके अंतर्गत तीन जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। और कोल्हान उपमंडल का मुख्यालय चाईबासा में है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम का जिला का मुख्यालय भी है। तो प्यारे दोस्तों, आपने जिलों को भी देख लिया, आप उपमंडल को भी देख लिया। तो और अब देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ा उससे भी पहले प्यारे दोस्तों, बिहार राज्य की सीमा को साझा करने वाला 10 जिला है। 10 जिला बिहार राज्य की सीमा को साझा करता है और 10 जिला पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा को भी साझा करता है। तो मैक्सिमम 10 जिले बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा को साझा करते। चलिए देखते हैं कि बिहार राज्य की सीमा को साझा करने वाला 10 जिले कौन कौन से हैं। तो आप लोग प्यार दोस्तों याद करते जाइएगा प्यार दोस्तों, और चीजों को नोट करते जाइएगा प्यार दोस्तों, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ये 10 जिले बिहार राज्य की सीमा को साझा करते हैं। चलिए ये तो गया उत्तर का बात, अब चलिए 10 जिले की सीमा को साझा करने वाला पश्चिम बंगाल की भी स्थिति को देख लेते हैं, जो कि पूरब की तरफ है, झारखंड के पूरब की तरफ स्थित है। तो कौन कौन सा प्यारे दोस्तों देखिए, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये 10 जिले पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा को साझा करते हैं। और फिर उसके बाद अब आ जाइए नीचे की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ उड़ीसा और पश्चिम की तरफ छत्तीसगढ़, चार चार जिले की सीमा को साझा करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा है। तो उड़ीसा की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ चार जिले कौन कौन से प्यारे दोस्तों देखिए, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये चार जिले उड़ीसा राज्य की सीमा को साझा करते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा, मतलब कि पश्चिम की तरफ सीमा को चार जिला साझा करता है, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। और प्यारे दोस्तों एक गढ़वा एक ऐसा जिला है, गढ़वा एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को साझा करता है। बस एक लौता जिला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को साझा करता है। गढ़वा एक ऐसा जिला है जो तीन राज्यों की सीमा को भी साझा करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो दोस्तों झारखंड राज्य जीके के अंतर्गत जितने भी वीडियो अपलोड है उन सभी को आप देखिएगा। मैंने
कर दोस्तों देखिए, एक वीडियो में सभी चीजें बताई नहीं जाती है, किसी में कुछ छूट जाता है उसे अगला में बताने का कोशिश किया जाता है। पहले वीडियो में कुछ छूटा हुआ है, मैं उसे इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सभी चीजें बताई जा चुकी है, लेकिन चूंकि ये भौगोलिक इंट्रोडक्शन है तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसे भी आपको यहाँ पर बता दूं। और देखिए प्यारे दोस्तों, अब जो चीजें जो है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जब मैंने इसे ग्राफ पर रख दिया, जब झारखंड के मानचित्र को मैंने ग्राफ पर रख दिया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड राज्य के उत्तर में कौन सा जिला है। तो आपके दिमाग में तो सेट है प्यारे दोस्तों, उत्तर में बिहार और 10 जिला सीमा को साझा करता है, बिहार की सीमा को 10 जिला साझा करता है, लेकिन वहां पर वो एक जिला के बारे में बोल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ग्राफ पे रखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि साहेबगंज जिला बिहार राज्य की सीमा को साझा करता है, जो कि उत्तर की तरफ है। एकलौता जिला उत्तर की तरफ, पता नहीं एक ही जिला के बारे में वो पूछे, एक जिला के बारे में पूछे कि झारखंड राज्य के उत्तर में कौन सा जिला है जो कि बिहार राज्य की सीमा को साझा करता है। तो आपको साहेबगंज पे टिक लगाना है। देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कैसा है, दक्षिण की तरफ एक जिला के बारे में यदि वो पूछे तो आपको पश्चिमी सिंहभूम पर टिक लगाना है। पूरब की तरफ एक जिला के बारे में पूछे तो आपको पाकुड़ पर टिक लगाना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों देखिए पाकुड़ का ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग तो उधर की तरफ है। मानचित्र में जब हम लोग बनाते हैं तो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, अपने लोगों को लगता क्या है ना कि साहेबगंज ही होगा पूरब की तरफ, लेकिन नहीं प्यारे दोस्तों, पाकुड़ का थोड़ा सा भाग जो है ना वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, निकला हुआ, जैसे कि एक कान निकला हुआ है। उसी प्रकार से चेहरा का इधर सबसे बड़ा कौन सा भाग है प्यारे दोस्तों, इधर की तरफ कान है, उसी प्रकार से ये देखिए कान के जैसा निकला हुआ है। तो यही पाकुड़ जिला जो है, मतलब पूरब की तरफ एकलौता जिला है, एकलौता जो कि पूरा ही पूरब की तरफ है। पूरब की तरफ बात करें तो एक जिला के बारे में अगर यदि पूछा जाए तो आपको पाकुड़ पर टिक लगाना है, और पश्चिम की तरफ आपको कोई पूछे कि कौन सा जिला है झारखंड का तो आपको गढ़वा पर टिक लगाना है। तो क्या दोस्तों, चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसमें मैं एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है, ये तो मैंने आपको पहले बताया। और देखिए क्या दोस्तों, देखिए चीजों को समझिए क्या दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण तरफ, चीजों को समझिएगा प्यारे दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण तरफ इसका विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर है। ये जब ग्राफ पे रखेंगे ना तो आपको ये वाला चीज पूछ रहा है, ये वाला चीज आपको पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है, ये कितना दूरी है, तो आपको उत्तर बताना है 380। उत्तर से लेकर दक्षिण तक झारखंड राज्य का विस्तार 380 किलोमीटर है, लेकिन पूरब से लेके पश्चिम तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरब से लेके पश्चिम तक ये कितना किलोमीटर है प्यारे दोस्तों, ये है 463 किलोमीटर। पूरब से लेके पश्चिम तक 463 किलोमीटर, और उत्तर से लेके दक्षिण तक 380 किलोमीटर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, इसकी चौड़ाई अधिक है और लंबाई कम है, झारखंड राज्य की चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब चीजों को प्यारे दोस्तों और चीजों को समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, झारखंड राज्य का जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या कितना है प्यारे दोस्तों, देखिए झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या जो है 3,29,88,134 है, और जनसंख्या और यह पूरे देश का 2.72% है और 14वां स्थान पर है। जितने भी राज्य है ना उसमें 14वां स्थान पर झारखंड राज्य की जनसंख्या है। ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो झारखंड की जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में अलग वीडियो अपलोड क्या हुआ है दोस्तों, पूरा विस्तार से चीजों को बताया गया है कि किस जिला का जनसंख्या कितना ज्यादा है, सभी चीजें उसमें बताई गई है।
तो प्यार दोस्तों देखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक चीज को और थोड़ा समझते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो प्यार दोस्तों आपको रांची पर टिक लगाना है क्योंकि रांची जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिला में है और सबसे कम न्यूनतम जिसे जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदगा है। लोहरदगा का जनसंख्या न्यूनतम है। चलिए प्यार दोस्तों अब चल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो प्यार दोस्तों झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है और यह 15वें स्थान पर है। तब दोस्तों देखिए कहीं कहीं पर आपको 16वां लिखा मिलेगा। क्या दोस्तों बात क्या है ना, तेलंगाना राज्य का जब गठन नहीं हुआ था तब तो ये 16वां स्थान पर था, वाली बात है। लेकिन जब से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो यह 15वें स्थान पर आ गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए प्यार दोस्तों अब देखते हैं आगे, नहीं प्यार दोस्तों ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्यार दोस्तों यहाँ पे आपको 16वां ही याद रखना है क्योंकि तेलंगाना जो है ना वो अभी 15वें स्थान पर है, तो झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 16वां स्थान पर है। माफ कीजिएगा प्यार दोस्तों, झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 16वें स्थान पर है। चलिए प्यार दोस्तों अब देखते हैं बढ़ते आगे। तो प्यार दोस्तों देखिए ये तो बिल्कुल भी एक इंट्रोडक्शन था कि भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, तो ये सभी चीजें नहीं आएंगी भूगोल के अंतर्गत। ये अक्षांश, विदेशांतर, ये सभी चीजें अपने को अंदर में डिटेल से नहीं पढ़ना है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बताया। लेकिन जो चैप्टर जो आगे में जो आएंगे ना, बहुत सारे चैप्टर आएंगे प्यार दोस्तों देखिए। और प्यार दोस्तों एक चीज कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है प्यार दोस्तों, तो देखिए आपको पश्चिमी सिंहभूम पर टिक करना है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रामगढ़ है। इन चीजों को आपको याद रखना चाहिए। हाँ तो मैं बात कर रहा था प्यार दोस्तों देखिए कि जो चीजें नहीं आएंगी ना बाद में उसे मैंने विस्तार से यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन जो चीजें बाद में आएंगी उसे अभी विस्तार से बताने का कोई महत्व नहीं है प्यार दोस्तों, उसे मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा क्योंकि आगे में बहुत सारे चैप्टर आने बाकी हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि चट्टान के बारे में चैप्टर आएगा, ऐसा चैप्टर आएगा प्यार दोस्तों, और झारखंड का भूगोल के अंतर्गत ही आएगा, अलग टॉपिक रहेगा, अलग वीडियो रहेगा। वो कैसा आएगा प्यार दोस्तों कि झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना, उस भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत मैं आपको चट्टान के बारे में बताऊंगा कि झारखंड राज्य में प्राचीनतम चट्टान आर्कियन काल की जो ग्रेनाइट है उससे लेकर नवीनतम जलोढ़ तक यहाँ पे चीजें पाई जाती है, तो वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा जब चट्टान के बारे में बताऊंगा तब। झारखंड में बहुत सारे पठार है प्यार दोस्तों, रांची का पठार, बहुत सारे हजारीबाग का पठार, तो इसके बारे में धरातलीय स्वरूप में मैं आपको बताऊंगा झारखंड राज्य का धरातलीय स्वरूप। उसी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि पारसनाथ चोटी जो है, पहाड़ी जो है, सम्मेद शिखर, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 4478 फीट है। ये सारी चीजें आपको उसी के अंतर्गत आएगी झारखंड का धरातलीय स्वरूप। क्या दोस्तों देखिए झारखंड के वन, झारखंड के जंगल, झारखंड की मिट्टी, झारखंड की नदियां, झारखंड के जल प्रपात, जलकुंड, नदी घाटी परियोजना, फिर क्या दोस्तों देखिए एनवायरमेंट से संबंधित चीजें भी भूगोल के ही अंतर्गत में बताने वाला हूँ, उसका कोई अलग प्लेलिस्ट बनने वाला नहीं है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चीजें, आपदा प्रबंधन से संबंधित चीजें, सिंचाई, झारखंड में कैसी सिंचाई होती है, मानसून कैसी है, जलवायु कैसी है, क्या वर्षा की क्या स्थिति है, फसल कौन कौन से, धान,
गेहूं, मक्का, ये सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। मिट्टी, वन, वन को कैसे संरक्षण किया जाता है झारखंड में, क्या क्या कानून है, क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। तो इन सभी चीजों के बारे में अलग अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। चूंकि इंट्रोडक्शन था, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये चीज बताया कि अगला वीडियो कौन कौन सा आने वाला है। और क्या दोस्तों, देखिए मैं बिल्कुल भी बेहतरीन ढंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो आप जरूर मेरे चैनल से जुड़ के रहिए। और प्यार दोस्तों, देखिए ये अपना पहला वीडियो था झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड का भौगोलिक परिचय, और दूसरा वीडियो अपलोड होगा प्यार दोस्तों, और रोज आपको एक एक वीडियो मिलेगा। और अगला वीडियो जो अपलोड होगा सेकेंड जनरेशन, वो रहेगा झारखंड की भूगर्भिक संरचना, झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जिसमें मैं आपको चट्टान से संबंधित चीजें बताऊंगा कि झारखंड के अंतर्गत भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या, झारखंड के नीचे क्या है। और क्या दोस्तों, झारखंड के नीचे सिर्फ चट्टान ही चट्टान भरा हुआ है, चट्टान ही चट्टान भरा हुआ है, और उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा और जीरो लेवल से चीजों को बताऊंगा। चट्टान क्या है, कितने प्रकार के चट्टान हैं, कैसा चट्टान झारखंड में पाया जाता है, कैसा चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, बोल देगा कि अमुक चट्टान झारखंड में पाया जाता है या नहीं, मतलब ऐसा ऐसा कौन सा चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है प्यार दोस्तों। तो मैं इन सभी चीजों को भी आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, आप बहुतों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरे भी एक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्या बताता हूं, मेरी बातों को भी आप लोग सुनिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।